हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। अतिथि शिक्षकों की कल DPI आयुक्त मैडम से बात हुई है, ठीक है। तो आयुक्त मैडम ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अतिथि शिक्षकों को बाहर नहीं रखा जाएगा, सबकी नियुक्ति की जाएगी। जब तक नियुक्ति नहीं होती तब तक तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा। तो 30 तारीख के बाद भी तारीख आगे बढ़ेगी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की। और अतिथि शिक्षकों को जहां पद शो नहीं हो रहे वहां पे पद शो करवाए जाएंगे। और जहां पर पद ट्रांसफर प्रमोशन से शिक्षक आने वाले हैं, अभी तक नहीं आए हैं, वहां पे भी अतिथि शिक्षकों के पद खोल के उनकी नियुक्ति की जाएगी। DPI मैडम ने स्पष्ट किया है। और जो पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए भी पहले नियुक्ति करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी आपको देने वाला हूँ। DPI आयुक्त मैडम ने क्या कहा है और कब तक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और नियुक्ति को लेकर क्या समाधान किया गया है मैडम के द्वारा, आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे नई अपडेट पाने के लिए क्या कहना है जिलाध्यक्ष का और DPI मैडम का, लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ। जिला राजगढ़ खुजरी गोकुल मेरा मुख्य स्थान है जहाँ का मैं निवासी हूँ। और आज अतिथि शिक्षकों की अनेक समस्याएं थी, उन सब समस्याओं के जानकारी और निदान के लिए मैं खुद व्यक्तिगत DPI गया। प्रदेश के जितने भी संगठन हैं, मैं कहूँ आज तो एक ही संगठन है लेकिन पूर्व में जितने भी संगठन हैं, उन सभी संगठनों में मेरी जो सदस्य रहा हूँ, भूमिका रही है संरक्षक की, सब लोगों ने मुझे अच्छा सम्मान दिया। और समय समय पर सरकार और संगठन के बीच में तालमेल बिठाने का भी मेरे द्वारा कार्य किया गया है और वर्तमान में भी कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं DPI गया, पूरा आपको पूछेंगे, आपको कुछ पूछना है जो अच्छा हुआ, ठीक है। हाँ, जो DPI में मैडम से और DPO और बाकी अन्य अधिकारियों से जो मैं मिला हूँ, उसमें कई सारी बातें चर्चा हुई जो वर्तमान में भी अपने शिक्षक बंधुओं और अतिथियों के समस्या आ रही है। तो ये समस्याएं लगभग लगभग बहुत जल्द पूर्ण होगी। एक तो बहुत सारे अतिथि शिक्षकों के पोर्टल पर पद शो नहीं हो रहे हैं, रियल में वहाँ पद है परंतु शो नहीं हो रहे हैं। उसका रीजन ये है कि या तो वो रिजर्व में है, रिजर्व में भी दो कैटेगरी, एक सीधी भर्ती और एक प्रमोशन, इन दोनों के कारण वहां पर शो नहीं हो रहा। दूसरा, जो पदों का निर्धारण हुआ ये पूरे मध्य प्रदेश में संकुल के द्वारा हुआ, भोपाल में भोपाल से लेटर जारी हुआ, क्योंकि इतने मध्य प्रदेश में स्कूल है तो कहां कितनी संख्या होगी, संख्या के मान से कितने पद जनरेट होंगे, ये अथोराइट संकुल को किया। संकुल ने सारे विद्यालयों में जितने स्कूल लगते हैं उनका संख्या के अनुमान से पद स्वीकृत कर जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा और जिला शिक्षा अधिकारी ने सारे पद ऑनलाइन DPI को भेजा। यहां से उन्हीं पदों को जनरेट किया गया, सेंशन किया गया। उसमें विसंगति हुई, कई जिलों में संकुल के द्वारा भी हुई, उसका जिले के द्वारा भी उसका ठीक से निर्धारण नहीं किया गया, ना उसकी कोई देखा गया कि कहां कितने पद की जरूरत है। इसके कारण बहुत सारे अतिथि शिक्षकों के पद गायब हो गए, जहां पद नहीं थे वहां बढ़ गए, घड़ गए। इन सारी समस्याओं का धीरे धीरे निर्धारण किया जा रहा है। बहुत सारे जिला शिक्षक अधिकारियों ने इसकी रिक्वेस्ट भी डाली है और वो भी ओपन होगी, इसलिए ये पदों का जो निर्धारण ये चलता रहेगा। इसलिए इसका अपना जिला संकुल के द्वारा भी इसकी रिक्वेस्ट डलवा है, इसका निर्धारण जरूर होगा। अभी एक समस्या आ रही है कि अब 28 तारीख हमारी ज्वाइनिंग की लास्ट तारीख थी, तो उसमें भी जो अभी पद ओपन नहीं हो रहा है उनके लिए आज उन्होंने बोला है कि आज रात्रि में तारीख इसकी बढ़ जाएगी। और जो पद ओपन नहीं हो रहे थे, जो रिजर्व में थे, ये रिजर्व वाले जितने ही पोस्ट हैं ये रात्रि में कल तक ओपन हो जाएगी और उसमें जो काम कर रहे थे अतिथि शिक्षक वो ज्वाइनिंग आसानी से ले सकते हैं। और समस्याएं, अभी अतिथि शिक्षकों के पोर्टल से 25 अंक हटा दिए गए क्योंकि उधर 18-19 में जो जिन्होंने सिर्फ 3 माह काम किया था, ना पहले किया था और उसी माह में काम किया और उनको 25 अंक
सरकार ने दे दिए थे। ये विसंगति में अधिकारी भी मान रहे थे और हमारे प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने भी इसको विसंगति माना था। बार बार हमारे ही संगठन के द्वारा मांग की गई थी, कुछ लोग भ्रमित हैं कि यह गलत किया हटाया, ये हमारे द्वारा मांगी गई मांग थी जिसको हटाया गया है, वापस अंक जोड़े जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब घोषणा की थी उच्च शिक्षा की भांति हमको भी बोनस अंक दिए जाएंगे, ठीक उसी प्रकार वर्ष अनुसार एक वर्ष के न्यूनतम 150 से अगर अधिक हमारे दिन हैं तो 4 अंक हमको मिलने वाले हैं, अगर 150 से कम है यानी 150 भी हैं तो 3 अंक हो जाएंगे, ऐसे कुल मिला के 50 दिन के 1 अंक बनेगा। तो ये एक वर्ष का 4 अंक और अधिकतम हमको 20 अंक मिलने वाले हैं, ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, ये हमारे संगठन की मेहनत है। और इसी को सरकार जब हमारी सीधी भर्ती होगी उसमें भी इसको इंक्लूड करेंगे, ये हमारे अधिकारियों का कहना है कि आगे चल के ये आपके लिए बहुत ही, और मैं कहूँ कि जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि आपकी भविष्य में पात्रता परीक्षा लेकर आपको नियमित किया जाएगा, तो ये अभी जो 20 अंक मिलेंगे न्यूनतम 10 वर्ष के मिलेंगे, तो जिनके अधिक वर्ष होंगे ऐसे लोगों की सरकार पात्रता परीक्षा लेकर और सबका नियोजन करने वाली है, और लगभग मैं कहूँ कि अभी इस वर्ष हो सकता है तो संभव नहीं है, लेकिन ये जो सरकार बनी है ये सरकार का समापन के पहले जितने भी मध्य प्रदेश के आते थे शिक्षा के सबको कहीं ना कहीं किसी भी पद पर नियोजन होगा, ये मैं आश्वस्त कराता हूँ संगठन की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से भी, जहाँ जहाँ मेरी बात हो सकती है हम लेटर भी लगा रहे हैं, व्यक्तिगत बात भी कर रहे हैं, सारे प्रदेश के जितने भी संगठन के लोग हैं वो भी अपनी बात को मान रहे हैं। लैब एक लैब की भी समस्या है, क्योंकि लैब जो समस्या है ये अब खुल जाते हैं, परंतु सरकार ने वर्ग 3 में बहुत सारे मध्य प्रदेश में स्कूल बंद कर दिए, बहुत सारे स्कूलों में संख्या नहीं है और शिक्षकों की संख्या अधिक है, उनका कहीं ना कहीं नियोजन हो रहा है, उनके नियोजन के कारण लैब को रोका है, बाकी लैब जितने भी हैं शिक्षक उनकी सबकी भर्ती अगले पहले ही सप्ते में इसकी प्रारंभ होगी, माह के पहले ही वीक में, यानी सितंबर के पहले ही वीक में इसको प्रारंभ करेंगे। लैब वाले चिंता ना करें, लैब वाले को सबको सरकार लेगी, तो लैब की अति आवश्यकता रहती है लैब। दूसरा एक और लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम वाला भी समस्या है, तो उसका भी हमारे गुप्ता जी ने भी लेटर लगाया है, उसका भी बहुत जल्दी निराकरण होगा, लेकिन उनका भी अभी उसी लैब के साथ ही होगा। लेकिन एक समस्या और है इसमें, बहुत जगह ऐसा अभी भी हो रहा है कि हमने पिछले सत्र में काम किया, लेकिन अभी भी ये बता रहा है कि आपने पिछले 17 वर्ष में काम नहीं किया इसलिए आप इस पैनल में नहीं जुड़ सकते हैं। जब वहां के प्राचार्य ने उसको आपको पैनल में जोड़ा तो पैनल में जोड़ने में उनकी कोई त्रुटि हो गई है, इसलिए आपको पैनल में जोड़ नहीं पाए, इसलिए समस्या रही, आपका पद भी है लेकिन आप उसमें ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही, तो इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप एक वो अभी खुला हुआ है पैनल, खुला हुआ है, आप जब प्राचार्य साइड पे जाएगा तो वापस आपका पैनल चढ़ सकता है, जितने भी आपके पैनल में थे आपका वापस ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। तारीख बढ़ने वाली है 1 तारीख तक और इसमें बढ़ेगी और ये तारीख बढ़ती जाएगी, इसमें ऑप्शन भी आ जाएगा, तारीख बढ़ना मतलब कि आप व्यक्तिगत आपका अगर पद 1 हफ्ता के बाद भी खुलता है तो आपके पास ऐसा ऑप्शन रहेगा कि आप खुद उसमें ज्वाइनिंग हो सकते हैं, तो ये तो समस्या आपके सामने है ही नहीं, इसलिए ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको और भी कोई समस्या आती है तो भोपाल ने अपने संगठन की ओर से गुप्ता जी को ऑथोराइज कर रखा है कि अपना ICT सेल का काम पूरा ये देखते हैं, पूरा टेक्नोलॉजी, तो इसलिए टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आती है तो आप गुप्ता जी से आराम से इसका डिस्कस कर सकते हैं और आपकी तरफ से संगठन की तरफ से लेटर भी लगा देते हैं, इसलिए अतिथि शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है, मन से काम करें। मेरे को और बड़ी खुशी है कि आने वाले समय में आपके लिए अच्छा भविष्य हम सब मिलकर लाएंगे, और ये 5 सितंबर अंतिम बात मेरी खत्म करता हूँ कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन अपने घरों से निकलकर सिर्फ 1 दिन मांग रहे हैं, उसमें हमको कुछ भी करना पड़े, और मैं संगठन की तरफ से आपको आश्वस्त करा रहा हूँ जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी हैं ये सबसे आगे रहेंगे, चाहे लाठी खाना पड़े या उनको जेल जाना पड़े, और मैं कहूँ कि पूरे मध्य प्रदेश की तरफ से सबसे पहले मैं रहूँगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े,
क्योंकि इतने लोगों की पीड़ा है, यहाँ कोई एक व्यक्ति की नहीं है। और मैं भी जब से अतिथि शिक्षक व्यवस्थाएं प्रारंभ हुई थी, जब से अतिथि शिक्षकों का संगठन प्रारंभ हुआ है, जब से मैं अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य भी कर रहा हूँ और पदाधिकारी के रूप में जहां जहां मुझे बुलाते हैं मैं वहां भी कार्य कर रहा हूँ। इसलिए आप लोगों के लिए तन मन धन से हम लड़ाई लड़ेंगे और अंतिम छोर तक हम विजय होके आएंगे, ये आश्वस्त करता हूँ। धन्यवाद।